आज 3 दिसंबर 2021 है। भोपाल गैस त्रासदी के 37 साल पूरे हो चुके हैं, पता ही नहीं चला। मैं पंकज पाठक हूं और 2 और 3 दिसंबर के दरमियानी रात को भोपाल में मैंने वह मंजर देखा था। मैं गैस अफेक्टेड एरिया में नहीं था, लेकिन 1984 में मैं उस वक्त संभवतः रात्रि के तीसरे प्रहर में उस क्षेत्र में पहुंचा हूं, तीसरे या चौथे प्रहर में। और मैंने भोपाल टाकिस पर, कैंची छोला पर और छोला रोड पर, नादरा बस स्टैंड पर लाशों के ढेर देखे और कई मवेशियों को मरा हुआ पाया। मैं यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लगभग 8 बजे पहुंचा सुबह के। उस वक्त वहां यह स्थिति थी कि कुछ लोग मछली की तरह तड़प कर दम तोड़ रहे थे। फिर भी मैं कहूंगा कि प्रशासन से जितना जो संभव था वह इन लोमहर्षक और असाधारण क्षणों में भी किया जा रहा था। चीफ सेक्रेटरी थे के शर्मा, कलेक्टर मोती सिंह और एसपी स्वराजपुरी। 2 और 3 दिसंबर के दरमियानी रात का वो दृश्य कभी भुलाया नहीं जा सकता। और हम आज अपने उन वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार केसवानी को भी नहीं बुला सकते जिन्होंने पहली बार गैस कांड की आशंका को व्यक्त करते हुए 2 दिसंबर 1984 के पहले एक समाचार छापा था और यह आगाह किया था कि भोपाल बारूद के ढेर पर है। अगर उस वक्त उसका संज्ञान लिया जाकर कार्रवाई की होती तो मैं सोचता हूं कि शायद यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के कीटनाशक संयंत्र से न तो मिथाइल आइसोसाइनेट यानि MIC यानि मिग गैस का रिसन नहीं होता। रात को 2 दिसंबर की रात 11:20 पर गैस का लीक शुरू हुआ और उसके बाद 3 दिसंबर की रात्रि को 2 बजे तक गैस निकलती रही। इसलिए कहा जाता है 2 और 3 दिसंबर के दरमियानी रात को मिग गैस का ये दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना हुई जो मानव द्वारा रची गई थी। सबसे बड़ी चीज ये प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये मानव द्वारा निर्मित औद्योगिक त्रासदी थी जिनके अपराधियों को आज तक सजा नहीं दी गई। वॉरेन एंडरसन उस वक्त UCC के चेयरमैन थे, बाद में वो कंपनी बिक गई और आर्डाओ केमिकल्स उसकी मालिक है, लेकिन इसके पहले ही वॉरेन एंडरसन की डेथ हो चुकी थी। वॉरेन एंडरसन आए भी भोपाल, लेकिन किस तरह से आए, किस तरह से उनका वेलकम हुआ, किस तरह से उनको यूनियन कार्बाइड के श्यामला हिल्स के गेस्ट हाउस से पीछे के दरवाजे से मीडिया से बचाते हुए एयरपोर्ट भेज के अमेरिका रवाना कर दिया गया, ये सारी कहानियां हैं जो आंखों के सामने तैरती हैं। और आज भी मुझे लगता है कि जो दर्द का दरिया उस वक्त बहना शुरू हुआ था वो मुसलसल अभी भी बना हुआ है। 37 साल में अभी भी ICMR के एम्स में और हमीदिया हॉस्पिटल में लगभग 75 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, शोध परियोजनाएं, जिनमें से अधिकांश में गैस त्रासदी की जो लोग बीमार हुए थे उनके इलाज को लेकर और उनकी
दवाओं को लेकर और उनके स्वास्थ्य के जो फॉलोअप्स हैं उनको लेकर शोध और अनुसंधान का कार्य अभी भी चल रहा है। अभी ये देखने की जरूरत है कि अब इस तीसरी पीढ़ी में, गैस पीड़ितों की ये तीसरी पीढ़ी है और इतना बड़ा समय निकल चुका है, अभी शोध और अनुसंधान के ये आश्चर्य है कि अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आ पाए हैं। मुझे लगता है कि आज से 37 साल पहले जब मरे हुए बच्चे पैदा होते थे, मैंने एक खबर छापी थी, जब मरे हुए बच्चे पैदा हुए, भ्रूण हत्याएं हो गई, गर्भपात हो गए थे और वो तमाम जो गैस के कारण ये ऐसी असाधारण स्थितियां निर्मित हो रही थीं। लेकिन उसके बाद जो अनुसंधान हुए उनके परिणाम जो सामने आने चाहिए थे 37 साल के बाद अभी भी वे सब अदृश्य हैं। उनकी खोज होना चाहिए, उनका पता करना चाहिए कि आखिरकार ये जो बीमारियां फैल रही हैं उनमें मिग गैस का कितना हाथ है और क्या कारण है कि जिसके कारण आज भी वो परिस्थितियों से वो सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। हमें इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और राहत, जहाँ तक राहत और पुनर्वास का सवाल है, सरकारों ने अपने तई जितना संभव था ये प्रयास किया है और कोर्ट से भी जितनी मदद मिलनी चाहिए थी वो मिली है। लेकिन जो वास्तव में गैस पीड़ितों का ये कहना सही है, उनके संगठनों का भी कहना सही है कि जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। देखिए, मौत का कोई मुआवजा होता नहीं है और उससे मुआवजे से कोई पूर्ति होती नहीं है, लेकिन फिर भी डाउ केमिकल्स को और UCC को जो मुआवजा देना चाहिए था वो नहीं दिया गया, वो अधूरा रहा, अंतिम राहत भी अधूरी रही। उससे कभी हम उबर नहीं सकते हैं हादसे से भी, लेकिन फिर भी ये बात सही है कि संगठनों ने अपने तई काफी प्रयास किया। आज हमारे बीच राजकुमार केसवानी नहीं है जिन्होंने इस संघर्ष को के बारे में पहले से आगाह किया था, हमारे अब्दुल जब्बार खान भी नहीं है जिन्होंने पहले दिन से लेकर गैस कांड के और अभी तक कुछ 1-2 वर्ष 1.5 साल पहले उनका अवसान हुआ है और उनको पद्मश्री भी मिला है, उन्होंने पूरा संघर्ष किया और वो अकेले ऐसे कहना चाहिए कि आंदोलनकर्मी थे, एक्टिविस्ट थे कि जो गैस पीड़ितों की लड़ाई में हमेशा अग्रणी रहे हैं। मैं उन तमाम हजारों गैस पीड़ितों को जो कि उस काल रात्रि को काल कल्पित हो गए, उन तमाम ऐसे मेरे शहरवासियों को मैं सहस्त्र नमन करता हूँ।